वो है माइटी गार्ड। तो दोस्तों आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइटी गार्ड को हमको क्यों यूज करना है। फर्स्ट थिंग आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जैसे हम मोबाइल फोन सभी यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमने कभी सोचा है कि उसके अंदर जो हमारा पर्सनल डेटा होता है उसकी हम बाहर से सेफ्टी तो कर लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, हमने मोबाइल फोन को यूज किया, कवर लगा लिया, स्क्रीन के लिए हमने स्क्रीन गार्ड भी उसमें यूज कर लिया, क्या कभी सोचा कि हमारी जो पर्सनल फाइल्स हैं, पर्सनल जो वीडियोस हैं और उसके साथ साथ जो पर्सनल हमारी पिक्चर्स हैं, क्या वो सेफ हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो सेफ नहीं है। तो उसी की सिक्योरिटी के लिए मोदी केयर लेके आया है माइटी गार्ड एप्लीकेशन, जिसके जरिए आप उनको सिक्योर कर सकते हैं, जो कि एक इजराइल बेस्ड सिक्योरिटी के बेस पर है। तो दोस्तों इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा मोदी केयर का माइटी गार्ड वर्क करता है। तो आई होप आप सभी को मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन अभी सो रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर माइटी गार्ड, जैसे ही आप माइटी गार्ड को ओपन करते हैं तो दोस्तों ये आपसे 4 डिजिट का पिन मांगता है। जब भी आप मोबाइल फोन में इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आप अपनी चॉइस का एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट्स मीन अपनी चॉइस का पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। जैसे अभी मैं इसमें 4 डिजिट का पिन अभी डाल देता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा 8 फीचर्स आर एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 8 फीचर्स हैं। तो वन बाई वन हम सभी को समझते हैं। सबसे पहला जो फीचर है उसका नाम है ऐप लॉक। तो ऐप लॉक तो मैंने जैसे ही ओपन किया, अभी आपको दिख रहा है ऐप लॉक इज एक्टिव। हमारे मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन पर हम लॉक लगाने के लिए जैसे प्लस आइकन आपको शो हो रहा होगा, प्लस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अभी मैं आपको डेमो के लिए अभी आपको एक एप्लीकेशन पर लॉक लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब पर लॉक लगाया, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा यूट्यूब अभी लॉक हुआ है। जैसे ही मैंने यूट्यूब को क्लिक किया, आप देख सकते हैं यूट्यूब ने पासवर्ड अभी मांग लिया है। तो मैंने जैसे ही पिन अगर अपना डालता हूँ तो हमारा यूट्यूब हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर से हमारे माइटी गार्ड की ओर। तो माइटी गार्ड जैसे ही हम ओपन करते हैं, फिर से आपको पिन एंटर करना है, और जैसे ही आप पिन को डालते हैं माइटी गार्ड के अंदर तो आप फिर से माइटी गार्ड में आ जाएंगे। तो हम अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को, जिसका नाम है इंटीग्रलर अलर्ट। दोस्तों इसका क्या काम होता है, इन केस आपका फोन जैसे किसी और के पास में है, अगर वो गलत पासवर्ड डालने की कोशिश करता है तो दोस्तों ये आपको जो गलत पासवर्ड डाल रहा है उसकी सेल्फी ले लेगा। इसको मैं आपको लाइव दिखाने के लिए, आपको दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, इसमें आपको अटेम्प्ट आपको दिख रहे हैं कितने अटेम्प्ट में उसका फोटो क्लिक होना चाहिए। तो अभी मैं आपको डेमो के लिए 1 अटेम्प्ट अभी कर रहा हूँ, और अभी मैं जानबूझकर इसमें गलत पासवर्ड डालता हूँ, जैसे कि फिर से हम यूट्यूब पर जाते हैं और अपना पासवर्ड इसमें रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा ये इसने फोटो क्लिक कर लिया है। तो इसकी लिस्ट को निकालने के लिए आपको 1 टाइम बैक जाके वापस से इंट्रूडर अलर्ट में आना है, और इसमें आपको दिख रहा होगा व्यू इंट्रूडर लिस्ट नीचे, तो आपको फोटो यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी गलत पासवर्ड से ट्राई कर रहा है उसका फोटो भी आप देख सकते हैं। थर्ड जो हमारा फीचर है उसका नाम है एंटी थेफ्ट। जी हाँ दोस्तों, एंटी थेफ्ट ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। antithept.modikeyer.com कि हम ये एक वेबसाइट है, इसको किसी भी अलग ब्राउजर में या फिर अपने मोबाइल के ब्राउजर में ओपन करके आप चेक कर सकते हैं लोकेशन ऑफ द डिवाइस, लॉक डिवाइस रिमोटली, आप रिमोटली इसको सायरन भी बजा सकते हैं, और इवन स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं इनकेस अगर आपका फोन खो जाता है या फिर आप रख के भूल जाते हैं या फिर चोरी हो जाता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये फीचर्स को आपको यूज करना है। आई होप आप सभी को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अभी शो हो रही होगी। जैसा मैंने आपको बताया antithept.modikeyer.com में आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपने आईडी और पासवर्ड डालने हैं, जब भी आप माइटी गार्ड को लेते हैं तो आपको मिलते हैं। फिर आप लॉगिन पर आपको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने, अब जैसे मेरा मोबाइल फोन है रेडमी नोट 4, तो आपको सेफ मोड को चेंज कर देना है लॉस्ट मोड में। मान के चलते हैं हमारा मोबाइल फोन खो चुका है, तो जैसे ही मैंने लॉस्ट मोड में क्लिक किया, रिक्वेस्ट सेंड अभी हो चुकी है, आपको एनी की जगह लॉकेट अभी आपको यहाँ दिख जाएगा, आपको लॉकेट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जो अभी फीचर्स मैंने आपको बताए थे सारे के सारे, सबसे पहला लॉक योर डिवाइस, रिमोट सायरन, लोकेशन हो गया, और स्नैपशॉट्स भी। तो सबसे पहले एक एक करके हम जान लेते हैं, जैसे लॉक डिवाइस, अभी आपको मेरा फोन अभी मेरे हाथ में दिख रहा होगा, जैसे मैंने क्लिक किया लॉक डिवाइस, आप देख सकते हैं कि अभी मेरा मोबाइल फोन लॉक हो चुका है। इसी तरीके से हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को, उस क्या है रिमोट सायरन। अभी आप देख सकते हैं फिर से मेरा मोबाइल फोन अभी मेरे हाथ में है, मैंने जैसे ही क्लिक किया प्ले सायरन, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मेरे मोबाइल फोन में अभी सायरन बज चुका है। जब तक मैं इसे स्टॉप पर क्लिक नहीं करूंगा ये बंद नहीं होने वाला है। अभी मैंने स्टॉप पर क्लिक किया तो ये ऑफ हो चुका है।
इवन आप लोकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अभी ये जो लोकेशन अपडेट होने में 10 से 15 सेकंड का टाइम लेती है, इससे हम नेक्स्ट वाले स्टेप को समझ लेते हैं, इतना टाइम हमको यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, फोटो पर आपको क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा मोबाइल फोन कोई भी ओपन करेगा, तो जैसे मैंने अभी अपने मोबाइल फोन को ओपन किया, तो ये स्नैपशॉट्स लेना स्टार्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसने स्नैपशॉट लेना स्टार्ट कर दिया है, और ये वाले स्नैपशॉट हमको कहाँ पर तो होंगे, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वाले स्नैपशॉट हमको आएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने टेक फोटो हमने क्लिक किया था। तो यहाँ पर अगर आप स्नैपशॉट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्नैपशॉट दिख जाएंगे। इसी तरीके से आपको स्नैपशॉट आपके समझ में आए, और अभी देख सकते हैं करंट की जो लोकेशन है 22 जुलाई, लोकेशन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको लोकेशन भी अभी हमको करंट वाली हमको मिल जाएगी। जो रेड मार्क है ये इंडिकेट करता है दोस्तों हमारी लोकेशन, जी हाँ। अगर इसको आप सैटेलाइट व्यू में देखते हैं तो आपको और भी अच्छा व्यू आपको नजर आता है। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए अब हमें फिर से इसको मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट, अदरवाइज फोन में फोटो क्लिक होते रहेंगे। तो वापस चलते हैं हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो मैं फिर से आपके सामने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, आई होप आप सभी को मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। हम फिर से चलते हैं माइटी गार्ड में। अभी हमने समझा एंटी थेफ्ट फीचर को, तो हम नेक्स्ट फीचर की साइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है प्राइवेसी एडवाइजरी। दोस्तों इसको कैसे हमको यूज करना है, जैसे कि आपने को स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्टोरेज हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, अगर हैकर कोई भी हमारे मोबाइल के डेटा को कॉपी करना चाह रहा है तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, दिस डेटा इज सिक्योर्ड बाई माइटी गार्ड, कि हाँ दोस्तों वो आपके डेटा को कॉपी नहीं कर पाएंगे, दैट मीन आपका डेटा भी सिक्योर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को भी सिक्योर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर है हमारा पेरेंटल कंट्रोल, जी हाँ दोस्तों, इसमें आप किसी भी यूआरएल को आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बहुत से पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसी वेबसाइट पे जाएं जो उनके लिए सही नहीं है, जैसे कि अभी मैं आपको फेसबुक से ब्लॉक करके दिखाऊं, और वेबसाइट की मैं बात करूं जैसे कि एडल्ट साइड हो गई, गैम्बलिंग की साइड हो गई, क्राइम की साइड हो गए, तो इस तरीके से आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फेसबुक मेरे फोन में चलना बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर को समझते हैं कॉल ब्लॉकर। जी हाँ दोस्तों, कॉल ब्लॉकर के लिए अननोन नंबर से जो हमारे पास में कॉल आती है, आई नो कि बहुत सारे मोबाइल फोन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है कॉल ब्लॉक करने के लिए, लेकिन बहुत से फोनों में फिर भी ये नहीं होता, तो उनके लिए भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल प्लस पर क्लिक करना है, ऐड ए नंबर पर आपको क्लिक करना है, और रेंडमली मैं अभी आपको कोई भी नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप ब्लॉक पर क्लिक करते हैं ये नंबर हमारा ब्लॉक हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अनब्लॉक करना, तो सिंपल से आपको क्रॉस पर क्लिक करना है और अनब्लॉक करना है, ये हमारा अनब्लॉक भी हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा जो सेवंथ जो फीचर है, जिसका नाम है दोस्तों सिक्योर वीपीएन। सिक्योर वीपीएन का क्या मतलब होता है, इससे आप अभी जैसे इंडिया में बैठे बैठे आप कहीं का भी इंटरनेट, जैसे यूके का हो गया, जर्मनी का हो गया, फास्टेस्ट नेटवर्क का हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारी कंट्रियों का इंटरनेट, उनकी जो वेबसाइट है जो इंडिया के अंदर नहीं चल रही है, उनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे, इससे आपका आईपी एड्रेस भी चेंज रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, एट फीचर, लास्ट फीचर, जिसका नाम है दोस्तों डेटा ब्रीच। जी हाँ दोस्तों, इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी जीमेल आईडी अभी तक किसी ने हैक की है या नहीं की। तो अभी मैं आपको कुछ आईडीज को चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया आईडी डालकर, यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा होगा कांग्रेस, योर ईमेल एड्रेस हैजंट अपीयर्ड इन एनी ब्रीच हियर, दैट्स मीन दोस्तों ये जो ईमेल आईडी अभी तक किसी ने हैक नहीं किया। चलो हम नेक्स्ट एक और ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, चेक माई ईमेल मैंने किया, तो अभी आप देख सकते हैं ये आईडी 4 टाइम हैक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इवन क्लिक करके भी आप देखेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी। तो एक और आईडी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। मैंने आपको थर्ड आईडी भी अभी डाल के दिखा दिया है, ये भी आपको दिख रहा है कांग्रेस, योर ईमेल एड्रेस हैजंट अपीयर्ड एनी ब्रीच हियर, दैट्स मीन दोस्तों ये आईडी भी हमारी हैक नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन केस अगर क्या होगा, आपको इन फीचर्स में से कोई भी फीचर्स यूज करना नहीं आता, तो दोस्तों घबराना नहीं है, सिंपल सा आपको नीड हेल्प पर क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। अभी आपको दिख रहा होगा आपका नाम, एमसी नंबर आपको डालना है, और उसके बाद में आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और इशू कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो इशू आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मुझे कॉल ब्लॉकर में अभी कोई इशू आ रहा है, और मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू यूज। जैसे ही मैं इसको टाइप करके सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ, और आपको दिख जाएगा योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, ए माइटी गार्ड रिप्रेजेंटेटिव विल रेस्पॉन्ड यू टू विद इन 24 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको विद इन 24 आवर्स में वाई मेल और कॉल के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आपको उस वाले जो इशू आपको आ रहा है उसको यूज करना है।
वापस से हम चलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको टॉप कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा थ्री लाइन, वहां पर आपको माई अकाउंट में जाके आपके अकाउंट की डिटेल आपको पता चल जाएगी। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, पिन को अपने भूल जाते हैं, तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करना है, आपका पिन आपको फिर से मिल जाएगा। और यही थी, आप अपने पिन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज योर पिन पर क्लिक कीजिए और आपने पिन को चेंज कर सकते हैं। इवन आप नीचे आपको दिख रहा होगा अनइंस्टॉल, एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था माइटी गार्ड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ ना, तो हम जो मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं ना डेली, उससे भी कम है। जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्स 2 रुपये पर डे की इसकी कॉस्टिंग है। और अगर एनुअली बात करूँ तो लगभग 700 रुपये इसकी कॉस्टिंग आती है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको अपने मोबाइल फोन के इंटरनली जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको कैसे सेव रखना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप भी यूज कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।